या तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। नहीं, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थक सी गई। अगर कहो तो तुम्हारी बहन को साथ ले लेते हैं, अगर वो साथ होंगी तो थोड़ा सा इत्मीनान रहेगा। अरे नहीं नहीं आप ही ऐसी बिना वजह परेशान हो जाती हैं। और इजाज भाई की आदत का तो आपको पता है, पता नहीं उन्हें आने भी दें या नहीं। आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। आपके होने से ही मुझे इतना सुकून मिल रहा है। कभी कभी किसी का पास होना ही सारी तकलीफों को दूर कर देता है। जानती हो, इसीलिए अल्लाह ने रिश्ते बनाए। और कुछ लोग तुम्हारी तरह बहुत अच्छे होते हैं, जो कोई ना रिश्ता होने के बावजूद दूसरों का एहसास करते हैं। पहले तो मेरे आपके दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हम एक मजबूत रिश्ते की डोर से बंध गए। अतिया, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? अभी ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं मेडिसिन लिख रहा हूं, अगर दर्द हो तो इसको पेन किलर देती रहिएगा और ये ऑइंटमेंट लगाती रहिए। जी ठीक है। अब डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके। अभी ठीक हो जाएगा, दवाई लगाइए ना, ठीक हो जाएगा। चला जा रहा है? हाँ मम्मा, पापा दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर ने पेन किलर दी है ना, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। वो कुछ नहीं, घुटने पर चोट आई है, हल्की सी, खेल रहा था। पापा पापा दर्द हो रहा है। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है? नहीं, फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त के साथ आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, चलें? हाँ प्लीज, इसको उठा लो। हाँ। ओ मेरा बेबी, ओ मेरे बेटे की टांग में दर्द नहीं है? ठीक है पापा। ओ मतलब आप आंखें बंद करके सो गए, जब आप सो के उठे हैं तो दर्द भाग चुका होगा। ठीक है, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। सो जाए सर, नीचे हो जाओ पर सो जाओ, मैं नुसरत को भी भेजती हूँ, ठीक है? हाँ सर, नीचे चलो, चलो छोड़। आप तो इस्लामाबाद गए थे, वापस कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसका उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। नहीं बताया नहीं। और सामान कहाँ है आपका? देखो जरा, मैं सामान तो उसके घर ही छोड़ा आया हूँ। आप तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो, एटलीस्ट मुझे फोन तो कर देती यार। मैंने आपको बहुत कॉल्स किए, आपने नहीं अटेंड की। फोन किधर है? फोन
लो। देखो मैं हद नहीं होगी, फोन भी मैं वहीं पर भूल आया हूँ। सप्तन आपको क्या हो गया? आप खूब भूलने की आदत कब से पड़ गई है? हाँ आई थिंक वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो भूलना शुरू हो गया हूँ मैं। हाँ मैं आजकल देख रही हूँ कि आपके पास मेरे और बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। ऐसी बात नहीं है सरबत, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। ऐसा नहीं है क्या? मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं समझती हूँ इस बात को। जब वर्कलोड कम था तो आप अपना पूरा टाइम हमें देते थे। खैर आप खड़े क्यों, थक गए होंगे ना, आराम करें, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ। हेलो अतिया, हेलो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज एक अंदाजा जरूर हो गया मुझे, हमारा रिश्ता वाकई बहुत कमजोर है। ठीक कह रही हो तुम, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप शर्मिंदा मत हो, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हेलो 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 कहाँ जा रहे हैं? रुके मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दोस्त की तबीयत नहीं ठीक। रात को सुबह चले जाएगा, टाइम देखा आपने? नहीं अभी उसके पास है कोई नहीं, तो मेरा जाना जरूरी है। सफदर आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई, आप सो जाएं, सुबह जल्दी उसके पास चले जाएगा। बहुत एहसान था उसके मुझ पे, इसलिए अभी जाना जरूरी है। Thank you.
यकीनन अपना फोन लेने आए होंगे। नहीं, तुमसे मिलने आया, तुम्हारे लिए आया। मैंने रोते हुए फोन बंद कर दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी मेरी तरह गैर अहम है। ऐसा नहीं है अतिया, मैंने कहा ना कि मुझे मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अतिया ये भी सच है कि मैं अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत जज्बाती हूँ उनके लिए। मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम और सबसे अनमोल मेरे बच्चे हैं। और मैं कौन? एक ऐसा बोझ जिसे आप अपने सर से उठा के फेंक भी नहीं सकते, जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस वक्त से अब तक मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं। तभी तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं अपनी बीवी को हमारी शादी के बारे में बता देना चाहता हूं। हाँ, आप उन्हें बता देंगे, और अगर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे तो क्या आप छोड़ देंगे मुझे? नहीं अतिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, जिसमें तुम्हें सर्वत तो क्या किसी का भी खौफ ना हो, एक सिक्योर फ्यूचर। क्या मतलब, आप सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देंगे क्या? हाँ अतिया, अब ये बहुत जरूरी हो गया है। जब मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है तो सर्वत को भी तुम्हें कबूल करना होगा। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस सफदर बोल रही हूँ। जी मैडम, सफदर से बात हो सकती है? मैं उनके फोन पर मिला रही हूँ, वो फोन नहीं मिल रहा। मैडम सर तो काफी देर पहले ऑफिस से निकल चुके हैं। किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मैडम काफी दिनों से ऑफिस टाइम के अलावा सर की किसी क्लाइंट से मीटिंग नहीं होती है, और ऑफिस से भी जल्दी चले जाते हैं। जल्दी चले जाते हैं? जी मैडम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, क्या है रिपोर्ट में? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ मैं आपको आयरन की मेडिसिन लिख के दूंगी, जो आपको इनको रोजाना देनी है। वैसे मुझे तो पूरा यकीन था कि जरूर कोई खुशखबरी है। और महीने में आप एक दफा जरूर चेकअप के लिए आइएगा। और इसके साथ एक चीज मैं आपको और बताऊँ, वो ये कि इनको आपको बहुत केयर करनी है, इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। जरूर डॉक्टर साहब, हम है ना इसके पास, इसका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सही, आप मेडिसिन लिख के दे दें जो वाइटामिन चाहिए। सफदर, कहाँ थे आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। ऑफिस से आ रहा हूँ। और साहब झूठ बोल रहे हैं आप। क्या हो गया तुम्हें, कैसे बात करी तुम? मैंने अभी आपके ऑफिस फोन किया। आपकी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप काफी देर पहले ऑफिस से निकल चुके हैं। हाँ वो एक जरूरी काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन तुम ऐसे बात करी हो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। मैं मान लेती हूँ आज आपको जरूरी काम था, लेकिन ये रोजाना आप कहाँ जाते हैं? आप तो अक्सर ऑफिस से जल्दी निकल जाते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। सर मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम काफी गुस्से में हो। मैं कोई भी बात करूंगा तुम उसका गलत मतलब ही लोगे। मुझे बातों में मतलब है, साफ साफ बताएं आखिर आप जाते कहाँ हैं? क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? ऐसी कौन सी जगह है कि आप मुझे नहीं बता सकते? Shut up! ये बात तुम कैसे कर सकती हो? शक करी हूँ मुझ पर? मैंने आप पर एतबार किया है, अंधा यकीन नहीं किया। मैं जाहिल औरत नहीं हूँ कि आप मुझे कायल कर लेंगे।
इसीलिए कह रहा हूँ कि बाद में बात करते हैं, खामखा शोर कर रही हो तुम। मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। सरत मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज आप मुझे बहला नहीं सकते सत्तर। आज आपको मुझे साफ साफ बताना होगा आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपके पास मेरे और मेरे बच्चों के लिए वक्त नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते। इनाफ इज इनाफ, मैं आप तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आज आपको मुझे बताना ही होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने घर आके बहुत बड़ी गलती की, मुझे आना ही नहीं चाहिए। अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं बहुत जज्बाती हूं उनके लिए। मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम और सबसे अनमोल मेरे बच्चे हैं। तमाम दुखों का मदावा मैं करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अदिया आज से तुम मेरी जिम्मेदारी। मैंने आप पर एतबार किया है, अंधा यकीन नहीं किया। मैं जाहिल औरत नहीं हूं कि आप मुझे कायल कर लेंगे। हेलो स्वीटहार्ट। उमेर ये क्या बदतमीजी है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि आधी रात को मेरे कमरे में मत आया करो, और ये चोरों की तरह हरगिज नहीं। मैं किसी भी वक्त तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ, और मुझे रोकेगा कौन, तुम या खाला। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अब मेरा मतलब है हमारी शादी हो जानी चाहिए। कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे पता है ऐसा ही होगा क्योंकि तुम मेरी मिल्कियत हो। उमेर इजाजत की कोई किसी की मिल्कियत नहीं होता। मैं एक जीती जागती इंसान हूं, कोई चीज नहीं। और तुम ऐसा सोचते क्यों हो? जैसे किताबें तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम इन्हें पढ़ती हो, जब दिल चाहता है बैग में रख देती हो, जब दिल चाहता है इन्हें निकालती हो, जब मूड होता है तो फाड़ देती हो। इसी तरह तुम मेरी हो। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है इफ्रा, जो लड़की किसी लड़के की बचपन से हो जाए वो उसकी मिल्कियत हो जाती है। और वैसे भी कौन इनकार करेगा, तुम्हारी माँ पर तो हमारा एहसान है।
उमेर बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने काफी दफा मना किया है कि इस टाइम पे इधर मत आया करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? आप भूल रही हैं कि आप हमारे घर में रह रही हैं और ये मेरा घर है और मैं कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता हूँ। मैं ये बात इफ्रा की वजह से कह रही हूँ, मुनासिब नहीं लगता बेटा। मुनासिब नहीं लगता? इफ्रा मेरी मंगेतर है। अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी। वो मैंने सब्जी निकाल के रखी है, तुम बना देना। तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई साहब को तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्जी कितनी अच्छी लगती है, और जरा जल्दी बना देना, आजकल वो जल्दी आ जाते हैं ना घर। अब क्या हुआ, क्या खड़ी सोच रही हो? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, लेकिन अतिया देखो पैसों वैसों की कोई बात मत करना मुझसे, मेरे हाथ वैसे ही आजकल तंग है। अरे नहीं नहीं आपी, पैसों की कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे उमेर के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। इफ्रा आज भी उमेर की शिकायत कर रही थी। अब क्या कर दिया उमेर ने? हाँ, और वैसे ही इफ्रा को उमेर से बहुत शिकायतें, बात को पतंगड़ बना देती है वो। आपी, उमेर इफ्रा पर अपना हक जताता है, बिला वजह उसके ऊपर रोक टोक करता है। आप तो जानती हैं इफ्रा को ये बातें पसंद नहीं है, उसको अपनी मंगेतर कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो क्या गलत कहता है वो? अच्छा अगर उमेर ने ऐसा कहा है तो इसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल इफ्रा को बहू बनकर मेरे घर में ही तो आना है ना। ये तो बात की बात है आपी, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इफ्रा मेरी वजह से इतना परेशान रहती है, मैं उसको भी मजीद इन परेशानियों में नहीं डालना चाहती। अरे फिर तो तुम्हें ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई तो है। और वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें और इफ्रा को मेरे उमेर से शिकायत क्या है? क्या खराबी है उसमें आखिर? बुराई या खामी की कोई बात नहीं है, उमेर ने मैट्रिक तक नहीं किया और यहाँ तक कि वो नौकरी भी नहीं करता। क्या जरूरत है इसको पढ़ाई की, नौकरी थोड़ी करनी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके बाप की अच्छी खासी आमदनी है, इतनी बड़ी दुकान तो है उनके पास। और वैसे उमेर दुकान पर बैठता तो है, आज नहीं तो कल ये सब उमेर का ही तो है। अच्छा अब जाओ सब्जी बना दो, तुम्हारे भाई साहब आते होंगे फिर मेरे ऊपर नाराज होंगे। उमेर कहाँ जा रहे हो इस वक्त? घड़ी दो घड़ी अपनी माँ के पास ही बैठ जाया करो। अम्मी सारा दिन तो घर पे रहता हूँ मैं, खैर बोले क्या काम। अतिया आई थी तो इसमें कौन सी नई बात है अम्मी, हालांकि 10 चक्कर लगता है कभी। तुम्हारी शिकायत कर रही थी, तुम वक्त बेवक्त उनके कमरे में चले जाते हो, उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम बात समझने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है और ससुराल में दामाद को अपना भरम रखना होता है। रहने दे अम्मी, बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं, मगर आज तक आपने खाला से रिश्ते तक की बात नहीं की। अरे जब इफ्रा पैदा हुई थी उसी दिन मैंने अतिया को कह दिया था कि इफ्रा मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी, कह तो चुकी हूँ कितनी बार कहूँ मैं। बात करने में बकायदा रिश्ता भेजने में फर्क होता है, आप ही ढील की वजह से वो मुझे घास तक नहीं डालती है और ये बात मैं समझा के थक चुका हूँ आपको। इसमें मेरा क्या कसूर, मैं क्या करूँ? अतिया ने तो कभी मुझे इनकार नहीं किया ना। मगर खाला ने हाँ भी तो नहीं कहा, जो इनकार की नौबत आएगी। और ये बात आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? समझ तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा,
समझ में आएगा आप लोगों को। तो क्या हो गया, उसका मूड क्यों खराब है? बस हर वक्त लड़ता रहता है। अच्छा छोड़ें इस बात को, आप हाथ मुंह धोने में खाना लगाती हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने। बस बेटा ठीक हूँ मैं। अतिया अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत है? आप ही कोई काम था तो मुझे बुला लेते। आज तो हम अपनी खुशी के लिए आए हैं यहाँ पर। आइए बैठिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम्हारी बहन ने सारी जिंदगी हमसे मांगा है, आज हम कुछ मांगने आए हैं तो इनकार थोड़ी करेगी। अरे आप क्या समझते हैं? मेरी बहन मुझे खाली हाथ लौटाएगी क्या? अतिया दरअसल आज हम यहाँ पर उमेर के लिए इफ्रा का हाथ मांगने आए। इफ्रा का हाथ उमेर के लिए? लेकिन आप ही, इफ्रा तो अभी बहुत छोटी है, पढ़ाई कर रही है। अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि कल ही शादी कर दो। शादी के लिए तो हमें भी वक्त चाहिए होगा, भाई उमेर हमारा इकलौता बेटा है। वैसे अतिया तुमने इफ्रा को अभी तक बच्चा बना कर रखा है। अरे इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत क्या है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया ना इसने। लेकिन अभी फिर भी मुझे इफ्रा से पूछना तो होगा। इफ्रा से पूछने की क्या जरूरत है अतिया, अभी तो तुम कह रही थी कि इफ्रा अभी बच्ची है, अपना भला बुरा नहीं सोच सकती, नादान है। तो फैसला तो हम बड़ों ने ही करना है ना, तो मुझे यकीन है तुम हमें इनकार नहीं करोगी। अरे तबस्सुम तुम क्या देख रही हो भाई, जब सब राजी है तो मिठाई खिलाओ ना। हाँ तो लाई हूँ ना मिठाई मुंह मीठा करने के लिए। ये लो मुंह मीठा कर। अरे नहीं नहीं आप। अरे खाओ तो बहुत बहुत मुबारक हो। देख तुम भी खाओ, आज से हमारा डबल रिश्ता बन गया। हाँ हम दोनों बहने समधने भी बन गई। आप भी खाओ ना, ये लो। अम्मी आपने खाला को मना क्यों नहीं किया? मुझे मैं बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा बात को समझा करो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन अम्मी आप जानती हैं, उमेर का अच्छे लोगों में उठना बैठना नहीं है, नशे तक करता है वो। मैं कैसे बंदे से कैसे रिश्ता जोड़ सकती हूँ अम्मी? मैं आप ही से बात करूंगी, तुम देखना उमेर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। इस तरह की बातें करके आप खुद को तो तसल्ली दे सकती हैं अम्मी, मगर मुझे नहीं। उससे बात करने की भी तमीज नहीं है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। अम्मी उसको देखकर भी ना मुझे गुस्सा आता है। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अरे इसीलिए तो मैं आप ही से 2 साल का टाइम लेने का सोच रही हूँ। अभी तो सिर्फ मंगनी करूंगी, जिंदगी रही तो तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आप ही ने भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और तुम देखना उमेर सुधर जाएगा, वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरी उम्र हो गई है इफ्रा, अब मैं बीमार रहती हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल ना हूँ। और कौन सा तुम्हारी शादी कर रही हूँ, अरे सिर्फ मंगनी कर रही हूँ। नहीं अम्मी, जब उसका मुझ पे कोई हक नहीं था तब वो मुझ पे इतना हक जताता था, अगर ये मंगनी हो गई ना तो वो तो मुझे अपनी बीवी समझने लगेगा। मैं ये मंगनी नहीं करूंगी, बस। इफ्रा बिल्कुल पागल है ये लड़की, कुछ नहीं समझती। ये लो भाई मुझे बट्टा दीजिएगा। उफ इफ्रा तुमने इतनी मिर्ची डलवा दी, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा है। बट्टा तो भाई स्पाइसी खाने का ही मजा है। इतनी मिर्ची स्किन के लिए नुकसानदेह होती हैं, कहीं हमारी स्किन खराब ना हो जाए। हम तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है,
स्किन खराब मिर्चे खाने से नहीं होती बल्कि टेंशन लेने से। इफ्रा, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी बस से। इफ्रा कौन है ये? अब ये मेरा कजन है। लगता है अपने दोस्तों के सामने शर्मा रही है। आप लोगों को इफ्रा ने बताया नहीं कि हम दोनों की मंगनी हो चुकी है? उमेर, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाई दोस्त बहुत समझदार हैं, ये लोग एतराज नहीं करेंगे। क्यों भाई, आप लोग एतराज तो नहीं करेंगी? समझ तो रही होंगी आप मेरी बात। हम लोग कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इफ्रा, मुझे लगता है कि तुम्हें बाइक पर बैठना नहीं आता, जरा करीब आकर बैठते। मेरा मतलब है, जरा मुझे पकड़ कर बैठती, अगर गिर भी जाती तो। बस बहुत हो गया, अगर आइंदा तुमने ये हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे खाला के बेटे। तुम क्यों हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर मैंने तुम्हें कॉलेज से घर पर छोड़ दिया तो क्या गलत किया? जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभाई जाती है, तमाशा नहीं बनाया जाता। इसीलिए मुझे लड़कियों का ज्यादा पढ़ना बिल्कुल पसंद। जंग किताबें क्या पढ़ लेती हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगती हैं। ठीक कहा तुमने, काश तुमने भी थोड़ा पढ़ लिया तो इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं करती। पता नहीं मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। अच्छा है ना, इसी बहाने तुम्हारी दोस्त को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल ही गया, वरना तुमने तो उन्हें कुछ बताया नहीं था। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? प्लीज उमेर, बहुत तंग कर दिया तुमने मुझे। किस तरह समझाऊं तुम? तुम्हें समझ नहीं आती है। मेरा हक है तुम पर। तुम क्यों हमेशा गैरों जैसा सुलूक करते हो मेरे साथ? ये तुम किस हक की, किस रिश्ते की बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे निकाह में नहीं, अपना हक जताना बंद कर। इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, निकाह है, हो जाए। भूल है तुम्हारे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमेर ने जिस चीज को पसंद किया हो तो उसे कभी मिली ना। चीजों और इंसानों में फर्क होता है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन तुम सुधर जाओगे। खैर, अपने दिलो दिमाग से मुझसे शादी करने का ख्याल निकाल दो, यही बेहतर है। तुम बहुत बर्दाश्त कर दिया, आइंदा नहीं करूंगी। बर्दाश्त तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा इफ्रा। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने, मगर अब नहीं। फिर क्या कहा तुम्हारी बहन ने, कब कर रही है मंगनी? वो अतिया तो अभी मना कर रही है। आखिर तुम्हारी बहन को एतराज किस बात पर है भाई? नहीं, वो एतराज तो कोई नहीं, मगर इफ्रा भी पढ़ रही है और हमारे उमेर के पास कोई तालीम ही नहीं है। कितना समझाया था मैंने उसे कि कम से कम मैट्रिक तो कर लो, मगर आपके बेटे का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। अरे तो भाई उसे जरूरत क्या है, उसे कौन सी नौकरी करनी थी? हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, ये सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर। मगर क्या, तुम्हारी बहन और भांजी बिला वजह के नखरे कर रही। अरे ऐसा अच्छा रिश्ता तो किस्मत वालियों को मिलता है,
बगैर मेहनत किए मिल रहा है ना ऐसा रिश्ता, इसलिए कदर नहीं है। अच्छा अच्छा गुस्सा तो मत करें, मैं बात करती हूँ दोबारा अतिया से, उसे मंगनी के लिए कायल करने की कोशिश करती हूँ। मगर अब मंगनी नहीं होगी, सीधा निकाह होगा। आपको आज खालत है मेरे निकाह की बात करनी होगी, मुझे जल्द अज जल्द इफ्रा से निकाह करना है और ये मेरी जिद है। क्या हो गया तुम्हें, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी अचानक निकाह कैसे हो सकता है, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं कुछ नहीं जानता अम्मी। अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा। उमेर उमेर देख रहे हैं आप क्या हो गया इसे? हाँ शादी ब्याह को बच्चों का खेल समझा हुआ है, इतना अचानक निकाह कैसे हो सकता है, समझाए ना अपने बेटे को आप। क्यों नहीं हो सकता, जो काम हमें बाद में करना है अगर हम आज ही कर लें तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है।